उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बुधवार रात को महसूस किए भूकंप के झटकों से एक बार फिर से वैज्ञानिकों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या एक बार फिर से बड़ा भूकंप आने वाला है। हिमालयन बेल्ट में कभी भी कहीं और भी ये भूकंप आ सकता है। इसी महीने की 4 तारीख को नेपाल में आए भूकंप में 132 लोगों की जान चली गई थी। तब झटके उत्तराखंड समेत दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए थे। इस साल 15 से ज्यादा बार ऐसा रहा जब उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं बुधवार की रात 2:02 पर उत्तरकाशी में आया भूकंप वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बड़ा सिस्मिक गैप पूरे हिमालयन बेल्ट में देखा जा रहा है, जो इशारा करता है कि बड़ा भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकता है। यहाँ पर एक बड़े भूकंप का आना जो है, लेकिन ये जो भूकंप अभी आ रहे हैं 6 मैग्नीट्यूड के ऊपर, इनका एक ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि उस बड़े भूकंप को ये थोड़ा सा डिले करते हैं। लेकिन ये जो 3 मैग्नीट्यूड और 3.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं, इनका वो महत्व नहीं है कि ऊर्जा का जो निकलना है, ये तो आते ही रहेंगे। वही भूकंप के झटकों से लोगों को अलर्ट करने के लिए राज्य में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 5 तीव्रता वाले भूकंप आने पर 30 सेकंड पहले अर्ली वार्निंग भेज देता है। लेकिन उसको अब अपडेट कर भूदेव ऐप नाम से रिलॉन्च करने की तैयारी है। अब भूकंप अलर्ट ऐप हमने IIT रुड़की के साथ हम लोगों ने जो है कि अभी डेवलप किया हुआ है। अभी बीच में थोड़ा सा उसमें अपडेशन हम लोगों ने कुछ किए थे, तो बीच में हाँ एक दो महीने से जो है कि जिस तरह से अलर्ट से वो नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। वो नए नाम से जो है कि लॉन्च हो गया, उसका नाम भूदेव है। अगर मैं अभी जो दर्शक यहाँ देख रहा हूँ, तो भूदेव नाम से अगर आप करेंगे तो उसका नया वर्जन आ गया। अब आपको अपडेट उसमें रेगुलर मिलते रहेंगे। भूकंप को लेकर कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा खतरा कभी भी और कहीं भी आ सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर के आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कॉलोनी में हंगामा काटा तो विधायक शिव अरोरा भी पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विधायक और पुलिस को अवैध शराब के अड्डे और घरों पर ले जाकर कच्ची और अंग्रेजी शराब बरामद कराई, जिसके बाद विधायक जिला आबकारी अधिकारी पर भड़क गए और उन्होंने अधिकारी को कड़ी फटकार लगा दी। डीओ का काम खाली ये है कि ठेके बांट देना, या कोई अवैध शराब भी तुम रोकोगे? नहीं, कहाँ रोकोगे? यहाँ तो जखीरे मिल रहे हैं, या मैं खुद खड़ा हूँ, यहाँ हजारों बोतलें मिल रही हैं अवैध शराब की। जब से तुम आए हो ना, ये 10 गुना अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया यहाँ, जब से तुम आए हो। और तुम्हारा हाल मैं देख रहा हूँ, ये अपने रंगन ठीक कर लो तुम। सारे जहाँ घर में जा रहे हैं वहाँ सारी अवैध शराब मिल रही है, हर घर में अवैध शराब मिल रही है यहाँ पर। और तुम्हें पहले भी बता चुका 3 बार कि अपना दिमाग ठीक करो तुम, इस तरीके से काम होंगे तुम्हारे? नहीं, काम क्या कर रहे हो? अवैध शराब कौन रोकेगा? मैं रुकूंगा आके। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस डकैतों के कुछ करीब पहुंच गई है। बिहार से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। ये बदमाश इतने शातिर थे कि डकैती की जगह पर पोर्टेबल सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते थे। नौ नवंबर को राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में डकैती हुई। पुलिस की 12 से ज्यादा टीम अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है। बिहार से पुलिस को पहली सफलता मिली। इस गिरोह के 2 सदस्य विशाल और अमित को बिहार के वैशाली से गिरफ्तार किया गया है, और इनसे पूछताछ में पता चला कि डकैती के दौरान मोबाइल सिग्नल से न पकड़े जाएं, इसके लिए पोर्टेबल जैमर का इस्तेमाल ये किया करते थे। ये दोनों आरोपी पटना की जेल में बंद अपने सरगना सुबोध की प्लानिंग पर काम करते थे। इन दोनों का काम डकैतों को गाड़ी, हथियार, सिम, मोबाइल और कपड़े उपलब्ध कराना था। पूछताछ के लिए लाए थे सर। किस मामले में? वो देहरादून के मामले में सर। क्या हुआ था? लूट हुआ था क्या? उसमें आपकी क्या भूमिका है? मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो कैसे आप, किनका है, कौन है? मेरे भाई का घर है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार। देखिए, ये जो गैंग है इसमें काफी मेंबर्स हैं, और उन्हीं में ये दो थे जो कि लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते थे, जैसे कि इनके द्वारा वर्चुअल फोन उपलब्ध कराया जाना, और घटना से पूर्व जो पैसों का ट्रांजैक्शंस है उसके उसके भी कनेक्शंस इनके साथ मिले हैं।
दून की वारदात के लिए भी करीब ढाई महीने पहले डकैत देहरादून पहुंचे और सेलाकोई में रुककर वारदात के लिए प्लानिंग की। पकड़े गए आरोपियों ने दो डकैतों के नाम उगले हैं, जिनमें प्रिंस कुमार और विक्रम कुशवाहा के नाम हैं। पुलिस ने दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। ये दोनों ही डकैती के मुख्य कर्ता धर्ता थे। तो प्रकाश में आया है प्रिंस कुमार और विक्रम कुमार, इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय स्तर से इनाम घोषित किया गया है, और ताकि इसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास हो सके। दून में हुई डकैती की तार मध्य प्रदेश के कटनी, महाराष्ट्र के लातूर, बंगाल के सांगली से भी जुड़ रहे हैं, और इन सभी जगहों पर पुलिस टीम भेजी गई है। अब पुलिस पर भारी दबाव है कि जल्द से जल्द पूरी वारदात का खुलासा करे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। इससे पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम दिन 10,000 से 12,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया का आज तीसरा दिन है। बाबा केदार की पंचमुखी डोली रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी पहुंची है। डोली के साथ ही हजारों श्रद्धालु भी मौजूद हैं। पंचमुखी डोली ने रात्रि विश्राम गुप्तकाशी में ही किया, इसके बाद आज डोली आगे के लिए रवाना होगी। आज डोली गुप्तकाशी से प्रस्थान कर सुबह करीब 11 बजे ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। इससे पहले फाटा में भगवान केदार की डोली पहुंचने पर पुलिस और एसडीआरएफ ने भंडारे का आयोजन किया, श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अब ओमकारेश्वर मंदिर में ही होगी। पौड़ी में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड वार जनगणना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम ने घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इस सर्वे को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है, जिन्हें पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। कौन किस क्षेत्र में गणना करेगा, और जो उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग है उससे हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक घर में जाके उन्हें किस तरह से गणना करनी है, उस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए। बागेश्वर में सरयू नदी पर बना 110 साल पुराना पुल लंबे वक्त से लोगों की आवाजाही के लिए बंद है। 1913 में बना ये झूला पुल अपना समय पूरा कर चुका है, और एहतियातन तौर पर बीते जुलाई महीने से इसको आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नगर पालिका ने पुल के दोनों तरफ बैरियर लगाए हुए हैं। पुलिस भी आवाजाही करने वालों पर नजर रख रही है। प्रशासन पुल की लचर स्थिति देखकर इस पर काम कर रहा है। उधर पुल की दयनीय हालत के बावजूद कांग्रेस इसे खुलवाने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने पुल खुलवाने के लिए बीते दिन एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया और आज डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही कहा कि पुल बंद होने से व्यापारियों को काफी घाटा हो रहा है। जैसे इस संबंध में मिले और हमने ये मांग रखी कि इसको जो है तकनीकी इसकी जांच करके इसको जो है तुरंत पब्लिक के जनमानस के हित के लिए खोला जाए। बिना वैज्ञानिकों के पिछले 13 साल से देहरादून में चल रही फॉरेंसिक साइंस लैब में 4 वैज्ञानिकों को नियुक्त किया गया है, और इन वैज्ञानिक अधिकारियों की सहायता से लंबित पड़े पॉक्सो, डीएनए, टॉक्सिकोलॉजी, नार्को के मामलों को निस्तारण करने में मदद मिलेगी। दरअसल अभी प्रदेश में किसी भी तरह के अपराध के दौरान पॉक्सो डीएनए रिपोर्ट के जरिए चंडीगढ़ और दिल्ली पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जहाँ से रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लग जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।